तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के साथ साथ कई जिलों में बारिश कहर ढा रही है। मंडला जिले के अलग अलग हिस्सों में करीब दो दिनों से बारिश का प्रकोप जारी है, जिसके चलते बालाघाट, सिवनी, नागपुर और डिंडोरी से संपर्क भी टूट गया है। लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, तो वहीं नर्मदा नदी में अचानक आई बाढ़ में चार युवक फंस गए। इसके बाद एसटीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर युवक की जान बचाई है। मंडला में बहुत सी जगहों पर नदी नाले उफान पर हैं, जिसे लोग जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं। मंडला जिले में दो दिनों से लगातार हो रही बारिश से नर्मदा एवं उसकी सहायक नदियां भी उफान पर बह रही हैं। ताजा हालात ये हैं कि नदी नाले उफान पर हैं और पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। ऐसी स्थिति बनी हुई है कि जो रहवासी इलाके हैं वहां भी पानी घुस चुका है। मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि वो दिखाए स्थिति। ये आप देख सकते हैं कि जो कान्हा नेशनल पार्क है उसका जो सरी गेट है उसका ये प्रमुख मार्ग है जहाँ पर रहवासी इलाके में पानी घुस गया है और लगातार लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, जिससे लोगों का जो अनाज का सामान है एवं अन्य सामान वो भी बर्बाद हो चुका है। यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये एक बाइक सवार जान को जोखिम में डाल के आप ये पुल पार कर रहे हो। जी सर। क्यों पार कर रहे हो? सर यहाँ पे पानी ज़्यादा बढ़ गया ना सर। कब से ये पानी यहाँ पर? ये कल से है। कल से है, तो थोड़ा देर रुक जाना चाहिए। सर, काम पे जा रहे हैं। क्या काम जा रहे हो? तो आप ये देख सकते हो कि लोग काफ़ी देर से वेट करने के बाद जब उन्हें लगता है कि यार अब हम काफ़ी देर से खड़े हैं, तो उन्हें ये स्थिति बनती है कि वो पुल पार करते हैं। यहाँ पर कुछ स्थानीय महिलाएं हैं। आप कहाँ कहाँ के रहने वाले? रोजी में जा रहे हैं। आपका नाम क्या है? तो काम में जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि जान को जोखिम में डालकर लोग यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं, और हमारी गुजारिश है कि ऐसे जो पुल बाढ़ में रहते हैं वहाँ पुल पार नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग अपनी जो ज़रूरतें हैं उसको करने के लिए, अपने रोजगार के लिए या अन्य इमरजेंसी के लिए पुल को पार कर रहे हैं, जो काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। मंडला ज़िले से प्रफुल्ल तिवारी, विस्तार न्यूज़।